हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं संदीप, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे, जिसका नाम है हेल्दी जायका, बोलना नहीं। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई रेसिपी लेकर के, जो कि है पनीर बटर मसाला की। जी हाँ, स्मूथ सी ग्रेवी रहेगी, थोड़ी वाइटिश, थोड़ा रेडिश, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। चाहे पराठे हो या नान के संग खाओ, बहुत मज़ा आता है खाने में। हम रेस्टोरेंट जब भी विजिट करते हैं, कुछ पनीर के जो कॉमन रेसिपीज़ होती है, जैसे पनीर बटर मसाला हो गया, मटर पनीर हो गया, पर पनीर बटर मसाला काफ़ी कॉमन है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। आइए फटाफट उसके इंग्रेडिएंट्स हम तैयार करते हैं, और फटाफट नोट डाउन कर लेना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको खिलाऊंगा तभी खाऊंगा। और फटाफट आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लो हमारे ग्रेवी के, तड़का के, और जो कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम स्क्रीन होल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना हो, डिस्क्रिप्शन में भी हमने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, तो गो चेक इट आउट फॉर दैट। एंड सबसे पहले हम अपना जो भी अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज, काजू, इनको अच्छे से पैन में बॉईल कर लेंगे और फिर इनको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें पनीर बटर मसाला की ग्रेवी एकदम स्मूथ होती है। अब आइए, एक पैन में हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेकर के अपने तड़का के इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। जैसे ही तड़का फूटेगा, हम सारी ग्रेवी डाल देंगे। इनको ऐसे ही भूनेंगे, ढाक करके भूने, तो इससे आपको छींटे भी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी सेव होगा। हम शुरुआत में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किए हैं क्योंकि हम इसको हेल्दी भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि घी अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा घिया घिया लगने लगेगा और कुछ लोगों को घी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो ऐसे में घी को मैंने थोड़ा सा कम किया। लास्ट में हम थोड़ा सा बटर या घी आप अगर चाहो तो डाल सकते हो। ये हमारा मसाला हल्का हल्का ऑयल छोड़ने लगा। अब इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस और टोमेटो सॉस डाल देंगे। टोमेटो सॉस बहुत ज़रूरी है पनीर बटर मसाला के लिए। ये एक अलग सा फ्लेवर देता है जो आप रेस्टोरेंट में फील करते हो जब पनीर बटर मसाला खाते हो। अब इसको हम ऐसे ही भूनेंगे, थोड़ी देर तक भूनेंगे, आप देखोगे एजेस पे आपके ऑयल छोड़ने लगेगा ग्रेवी। तब हम इसमें दूध डालेंगे, हाँ दूध डालेंगे, पानी नहीं। ये देखिए हमारे तेल ग्रेवी छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा ग्रेवी लगभग हो चला है, क्योंकि हम इसको भूनेंगे जितना उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है और जो मसाले हैं वो अच्छे से बाइंड होते हैं ग्रेवी के साथ। ये हमारी ग्रेवी लगभग हो गई है। अब इसमें हम दूध डालेंगे अपना। ये देखिए कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। अब दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। इसी समय हमने सारे पनीर के टुकड़े भी डाल देंगे। हमने थोड़ा सा क्रीम भी डाला है। क्रीम डालने से इसमें थोड़ा सा क्रीमीनेस भी बढ़ जाता है और साथ में ये थोड़ा सा और वाइट हो जाता है। हमने रेड कलर को अवॉइड किया है, रेड कलर से थोड़ा सा खाने के लिए नहीं सही होता, इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च को ही यूज़ किया था। ये हमारा ग्रेवी में दूध डाल दिया है। अब इसमें पनीर डाल करके इसको ऐसे ही बॉयल करेंगे। बॉयल करेंगे, आप इस पकाइए जिससे आपकी ग्रेवी और दूध बाइंड हो जाए। ये ध्यान देना है कि आपको डेंसिटी ग्रेवी का कितना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पकाएं, वरना मेरे हिसाब से देखोगे तो ये ग्रेवी बस स्पून में आपके स्पैचुला में लगने लगेगा, तो समझ लीजिए हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लगा हमारा पनीर बटर मसाला, टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी है। खाओगे तभी आप समझोगे कि मैंने ये रेसिपी कितनी अच्छी तरह से आप तक पहुँचाई है। थैंक यू। ये लीजिए, बन गए हमारी पनीर बटर मसाला। बिना बटर के हो ही नहीं सकता, तो इसमें आप अपने अनुसार कम ज़्यादा बटर डालो, पर बटर पड़ेगा ज़रूर, इसको अवॉइड नहीं करना क्योंकि नाम में ही पनीर बटर मसाला है, तो उसको ज़रूर से डालना। साथ में कितना क्रीमी लग रहा है, पनीर के बड़े क्यूब्स मैंने डाले हैं, आप चाहो तो छोटा क्यूब्स यूज़ कर सकते हो। मसाले मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। अगर बाई चांस आपको खड़े मसाले नहीं पसंद है तो गर्म मसाले का यूज़ करो, पर तड़के में गर्म मसाले जो खड़े वाले होते हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में आप रेस्टोरेंट जब भी विजिट करते होगे, जो वहाँ पनीर बटर मसाला होता है वो हल्का रेडिश टोन में होता है। मैंने इसको कश्मीरी लाल मिर्च से लाल करने की कोशिश की। अगर आप चाहो तो कलर ऐड कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आप कलर अवॉइड करो, जो इसका कलर है बहुत अच्छा आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कुछ यूजफुल फीडबैक आपको अगर देने हो तो ज़रूर कमेंट में दें। चलिए चलते हैं, और बिल्कुल भी भूलिएगा मत, अगर कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। बाय बाय।